आज वुमेन्स आईपीएल का ऑक्शन हुआ है और 5 टीमें बनी हैं। ये वुमेन्स प्लेयर के लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये डोमेस्टिक प्लेयर्स प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज हमें फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर कर पाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी जो आएंगे आगे बढ़ेंगे, उन्हें भी अपना टैलेंट शो करने को मिलेगा जो डोमेस्टिक में थोड़ा इतना नहीं मिल पाता। बट अगर जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे आपको फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज एज ए इंटरनेशनल प्लेयर मेरे को पता है कि जब मैं वहाँ पर गई थी इंडियन टीम में, तो मेरे को क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, मेरे को क्या क्या चीज़ें सीखने मिली थी। तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, बिकॉज उनको पहले ही सीखने को मिलेंगी। जब वो इंडियन टीम में जाएंगे तो उनके लिए वो प्रेशर कम होगा, बिकॉज जस्ट आप डोमेस्टिक से डायरेक्ट अगर इंडियन टीम में जाते हो तो यू नो ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर होता है, आप जस्ट जेलअप नहीं कर पाते। बट अगर आप इंडियन मतलब आईपीएल में आप खेलोगे तो उसके बाद में आप इजीली जेलअप कर पाओगे, आप समझ पाओगे, आपको वो प्रेशर फील होगा और आपके पास ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको बहुत प्रेशर वाले सिचुएशन में भी खेलना पड़ेगा और जहाँ से आपको एक नया चैलेंज लेना पड़ेगा और अपने आप को अपने टैलेंट को बाहर लाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, जिससे जब आप इंडियन टीम में भी जाएंगे लोग तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एंड बीसीसीआई ने ये जो कदम उठाया है आई थिंक ये ग्रेट है वुमेन्स आईपीएल के लिए, यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाने वाला है। जैसे कि आज हमने मैच के बाद देखा कि फ्रेंचाइजीज 5 फ्रेंचाइजी ने वुमेन्स टीम लिया है, तो मतलब हम काफ़ी खुश हैं देख के। मतलब आगे बहुत गर्ल्स को चांस मिलेगा, हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में जो गैप है वो फुलफिल होगा इससे, और काफ़ी एक्साइटेड है हम, मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंडिया प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स का खेलने के लिए। इससे हमारा गेम पे इम्प्रूव होगा और हम मतलब काफ़ी खुश हैं। ऑक्शन पहली बार ऑक्शन होगा, वो देखने के लिए कैसा ऑक्शन होता है, इसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं अभी। जिस तरीके से गेम हम खेलते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स के मुकाबले, हम कहते हैं कि उतना हमारा गेम उतना एनहांस नहीं हो रहा अगर हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देखें, लेकिन अभी हमने देखा है कि हमारी लड़कियां भी काफ़ी उस लेवल पर जाके अच्छा कर रही हैं, नए जो लौट आ रहा है काफ़ी उनसे कदम पे कदम मिला। आपको लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ और रहने के बाद क्या सुधार हो सकता है, और आप तो माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं तो सुधार मतलब ये जैसे हम उनको देख सकते हैं कि वो क्या मैच रूटीन फॉलो करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं ऐसी ग्राउंड पे जो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, वो हम चीज़ देख के सीख सकते हैं उनसे काफ़ी। कोई एक तय किया है कि मैं इतने में बिकूंगी, क्योंकि आपका तो विमेंस सीजन बहुत ही अच्छा गया है? ऐसा कुछ नहीं है कि कितने में बिकूंगी, जस्ट जो मतलब जो भी लेगा हर फ्रेंचाइजी के लिए अपना पूरा 100% देना चाहूंगी। बीसीसीआई के इस कदम को कैसे देखते हैं, क्योंकि विमेंस क्रिकेट के लिए इतना पैसा जो 5 फ्रेंचाइजियों ने लगाया, लगता है कि विमेंस क्रिकेट भविष्य तो आने वाले दिनों में बहुत उज्जवल है। ऑफकोर्स बहुत मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई का, बीसीसीआई को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम सब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, मतलब पहली बार वुमेन्स आईपीएल हो रहा है सबके लिए, तो सभी काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। सिमरन, आप इंडिया प्लेयर रही हैं, अभी अभी आप ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज खेली, और अब तो वुमेन्स आईपीएल की आगाज़ हो चुका है, कई महंगी महंगी टीमें बिकी हैं जी। क्या है एक रिएक्शन आपका बीइंग ए इंडिया प्लेयर? मेरा ये है कि जो आज टीमें बिकी है तो वुमेन्स आईपीएल, और ये है कि अब आगे आने वाले टाइम पे वुमेन्स आईपीएल ऊपर ही जाएगा और डोमेस्टिक प्लेयर्स इसमें से लिए जाएंगे और जितने भी इंडिया प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि यंग प्लेयर जितने भी हैं ऊपर जाएँ और आने वाले टाइम पर और हमारा क्रिकेट बढ़े और उभर के आए जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उसमें से भी। फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो श्रृंखला हुई, आप टीम का पार्ट थी भारतीय टीम का, एक रूप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हम देखते हैं कि काफ़ी सशक्त होते हैं, अभी तो आप कंधे से कंधा मिला के उन्हीं के आप सभी सारे ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगी, क्या आप उनसे एक चीज़ें अडॉप्ट करना चाहेंगे इंडिया प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर्स को, क्या हमें फ़ायदा होगा हमारे इंडियन वुमेन्स टीम को आने वाले दिनों में जाकर? ये बहुत अच्छा टाइम है कि बाहर वाले कंट्री के प्लेयर्स और अपने इंडिया प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे, डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे, तो उसमें एक एक्साइटमेंट है, खुशी है कि यंग प्लेयर जो आने वाले टाइम पे उनको और अपॉर्चुनिटी मिले, एक लेवल ऊपर जाएगा, तो ये अच्छा है कि आगे वुमेन्स क्रिकेट अप जाए। कुछ सोचा है कि आप तो ऑलराउंडर है और बतौर एकदम बढ़िया खिलाड़ी हैं, बैट्समैन भी है, मीडियम पेस काफ़ी अच्छा डालती है, हमने देखा है डोमेस्टिक अभी सीजन दिल्ली की ओर से एक आंकड़ा बनाया है, मैं कितने में बिकूंगी, हर एक के दिल में कुछ कसक तो होती है। हाँ, ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी और देखते हैं बाकी। पर बीसीसीआई को कितना आप थैंक यू कहेंगे, क्योंकि इतना किसी ने नहीं सोचा था, लोग कह रहे थे कि 400 300 400 करोड़ में टीमें बिकेंगी, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली है अपनी तिजोरी खाली करके वुमेन्स क्रिकेट पे लुटाई है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में वुमेन्स क्रिकेट का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली है कि आने वाले टाइम पे ये वुमेन्स आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है,
जितनी भी अभी टीमें 5 टीमें बनी है, तो इसमें जितना क्रिकेट अब जाएगा तो आने वाले फ्यूचर जो क्रिकेट अब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आगे ही जाएगा ये क्रिकेट।